Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, सलमान खान रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन में नजर आने वाले हैं, ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन अब इस पर नई अपडेट आ गई है। सिंघम अगेन इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। लगातार फिल्म को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई थी जिसे सुन फैंस एक्साइटेड हो गए थे, वो थी फिल्म में सलमान खान के कैमियो रोल करने की खबर। वहीं अब इस खबर को लेकर नई जानकारी सामने आई है, ये केवल महज अफवाह है। नंबर 2, शाहरुख खान के किंग पर फिल्म राइटर अब्बास टायरवाला ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अब्बास ने फिल्म के डायलॉग्स के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने हाल ही में किंग के डायलॉग का पहला ड्राफ्ट पूरा किया है, उसे सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, वो शाहरुख के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। यानी कि फिल्म के डायलॉग का पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है और अब बाकी के ड्राफ्ट पर भी धीरे धीरे काम पूरा हो जाएगा। नंबर 3, ऋतिक रोशन ने आने वाली फिल्म वॉर 2 से एक नई फोटो शेयर की है। इस फोटो में ऋतिक रोशन का कल लुक देखकर फैंस की बेताबी फिल्म को देखने की ओर बढ़ गई है। ऋतिक रोशन इस फोटो में ट्राउजर के साथ हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो में एक्टर को खुले आसमान की ओर देखते हुए देखा जा सकता है। नंबर 4, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 थिएटर्स में 1.5 महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म ने सभी बिग बजट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई कर ली है। ऐसा करने वाली स्त्री 2 इस साल की पहली फिल्म बन गई है। नंबर 5, पुष्पा 2 की शूटिंग अब तक पूरी नहीं हुई है। फिल्म का शूट जोरों शोरों से चल रहा है, कई जरूरी सीक्वेंस को अब भी शूट किया जा रहा है। दरअसल सुकुमार फिल्म को बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं। देवी प्रसाद ने पुष्पा 2 के गानों को कंपोज किया है, 2 गाने आ चुके हैं जिन्हें काफी पसंद किया गया और प्यार भी मिला। हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब तीसरे गाने को लाने का वक्त आ गया है। इस महीने के आखिर तक गाने का ऐलान कर दिया जाएगा। फिल्म गलियारों में इस बात की चर्चा है कि यह सॉन्ग रोमांटिक नंबर होगा। नंबर 6, खबरें चल रही हैं कि फिल्म तेरे इश्क में धनुष के साथ तृप्ति डिमरी को भी कास्ट कर लिया गया है। आनंद एल राय ने तृप्ति का काम देखा और उन्हें लगा कि वो इमोशनल किरदार निभा सकेंगे। उनके सामने धनुष शंकर राम के एक एंग्री यंग मैन के रोल में दिखेंगे। जूम के इंटरव्यू में आनंद से इस बारे में पूछा गया, उनका जवाब था, ऐसे अनुमान चलने दीजिए, मैं जल्दी ही फिल्म की कास्ट अनाउंस कर दूंगा। नंबर 7, शाहरुख खान की फिल्म पठान 2 को लेकर भयंकर लेवल की खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पठान 2 शेड्यूल हो गई है, स्क्रिप्ट भी पूरी हो चुकी है, अब इसके डायलॉग लिखे जाने हैं। ये भी बताया जा रहा है कि YRF पठान 2 के लिए नया डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म में एक नयापन हो, इसी वजह से वो सिद्धार्थ आनंद को नहीं दोहराना चाहते। नंबर 8, अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 आने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म में से एक है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित हाउसफुल 5 पॉपुलर हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं पार्ट है। हाल ही में चंकी पांडे ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, मिस्टर क्रूज से मिलिए। इस वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, हम तुम एक कैमरे में बंद हो। एक्टर के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक्टर ने हाउसफुल 5 की शूटिंग के दौरान लंदन में बिताए पलों को दिखा रहे हैं। नंबर 9, आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म जिगरा में दिखाई देंगी। इसी बीच ये खबर सामने आई है कि आलिया भट्ट एक लव स्टोरी में भी नजर आने वाली हैं। पिंक विला ने ये रिपोर्ट छापा है कि आलिया भट्ट एक लव स्टोरी पर बेस्ड मूवी में दिखाई देंगी। आलिया ने इस मूवी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साल 2025 में इस फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। लव एंड वॉर के बाद आलिया अपनी इस रोमांटिक मूवी की शूटिंग करेंगी। फिलहाल अभी फिल्म के लिए हीरो की तलाश चल रही है, वहीं अभी डायरेक्टर को लेकर भी बातें हो रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आलिया भट्ट की ये फिल्म साल 2026 में थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 10, कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी फिल्म भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों फिल्म के रोमांटिक गाने की शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं। मेकर्स भूल भुलैया 3 को दर्शकों के लिए ग्रैंड बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिल्म का डायरेक्शन अनीस बज्मी कर रहे हैं। मिड्डे की रिपोर्ट के अनुसार सचेत और परम्परा इस गाने को अपनी सुरीली आवाज से गाया है। गाने का म्यूजिक प्रीतम अमाल मलिक और तनिष बांक्षी ने दिया है। सोर्स ने बताया कि ये बिल्कुल
नया गाना है जिसे विजय गांगुली कोरियोग्राफ कर रहे हैं। नंबर 11, आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव एक बार फिर से आमिर खान के साथ काम करने वाली हैं। जी हां, आमिर की एक्स वाइफ किरण ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात पर इशारा किया है और हिंट दिया है कि वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में आमिर के साथ नजर आ सकती हैं। हालांकि फिल्म कौन सी होगी इस बारे में उन्होंने साफ नहीं किया है। नंबर 12, जॉनवी कपूर और ईशान खट्टर ने साथ में धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दोनों के काम को लोगों ने खूब पसंद किया। 6 साल बाद एक्ट्रेस फिर से को एक्टर ईशान संग स्क्रीन शेयर करेंगे। एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए 10 दिन तक शूटिंग करने वाली हैं। दोनों को साथ में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का डायरेक्शन नीरज घायवन कर रहे हैं। नंबर 13, किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर 2025 की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल और प्रतिभा रांटा लीड रोल में नजर आए थे। अब इस खबर को सुनकर फैंस के बीच काफी खुशी है। नंबर 14, सोहम शाह की फिल्म तुम बाढ़ अब बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है। फिल्म को 13 सितंबर को दोबारा रिलीज किया गया था जिसके बाद अब फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। जी हां, दोबारा रिलीज होने के बाद 10वें दिन फिल्म ने लगभग 2.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं अब फिल्म को टोटल कलेक्शन भी 21.95 करोड़ रुपए के पार पहुँच गया है। नंबर 15, चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुए एक इवेंट के दौरान ये सर्टिफिकेट चिरंजीवी को सौंपा गया है। इससे सम्मानित करते हुए उन्हें फिल्म जगत में सबसे सक्सेसफुल स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। चिरंजीवी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 156 फिल्में की हैं। इससे पहले चिरंजीवी को बेस्ट सिटीजन सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।